तो भाई कैसे आप सभी आयो, आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपने कपिल भारद्वाज। भाई मैं था गन्नौर सोनीपत और रेलवे स्टेशन, देख रहे हो भाई गन्नौर का पार्क ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ भाई, बहुत खूबसूरत है। इधर पार्क है और इधर रेलवे स्टेशन, ये इस तरफ से, इस तरफ पेड़ वगैरह है, उस तरफ गंदगी भी फैल रही है वैसे, और ये रहा रेलवे स्टेशन। मैं आ गया भाई रेलवे स्टेशन से बाहर, तो चलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, एक सेटअप वो खिले लेते हैं। और मैं आया था भाई दुकान पे, दुकान है बंद। एक्चुअली में मैं ना एक सेटअप वो खरीदने आया था, टीवी का ख़राब हो गया, तो मैं यहाँ आया तो बंद है। यहाँ साइड में और भी दुकान है, उन पर चलते हैं, पूछते हैं क्या रेट में दे रहे हैं, क्या रेट में नहीं, तो चलते हैं अंदर। तो भाई मैं इस दुकान पर भी आया था, इस दुकान पे है ही नहीं, चलो हैं आगे पता करते हैं यार, मिलते हैं तो आगे चलते हैं। पिपाज यहाँ पे है क्या और कोई दुकान, यहाँ पे है क्या कोई और दुकान? यहाँ पे है तो बहुत, पर देखते हैं हम आगे चलते जा रहे हैं, कोई मिलती है तो आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ तो कोई सेटअप बॉक्स नहीं रख रहा है, मैं यहाँ भी आया था, इनके पास भी नहीं है, और कहाँ मिलेगा यार पता नहीं। आगे चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, चलते काफ़ी दूर तक आ गए हैं और यहाँ पता करते हैं अगर मिलते हैं तो। भाई सेटअप बॉक्स है, टीवी वाला सेटअप बॉक्स है भाई, यहाँ भी नहीं है, क्या करें बताओ। कोई आगे पता करते हैं, आगे चलते हैं वो थोड़ी आगे। भाई यहाँ पे है ना हमें कहीं भी नहीं मिला सेटअप बॉक्स, मैं मामा के पास फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि हमें सेटअप बॉक्स नहीं मिला, और मैं उनको फ़ोन करके बता देता हूँ। गन्नौर सब्जी मंडी, गन्नौर भीड़, ऐसा भीड़ कन्नौर की सब्जी मंडी में भरी हुई है चकाचक पूरी मंडी। मेरे पीछे देख भी रहे होगे आप, तो आगे हम भी थोड़ी सी सब्जी वगैरह ले लेते हैं, देखते हैं आगे ट्राई करके आज कैसी लगती है। मिर्च कैसे दी है? आधी किलो कर दो, मिर्च ले लेते हैं। सब्जी ले ली है, जो जो हमें चाहिए था हमने काम की, हमारे भाई ने पकड़ी हुई है सब्जी, तो यहाँ ठीक है, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं, उस तरफ ज़्यादा भीड़ है, अंदर की तरफ हम जा रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही है वैसे तो। आगे कंटिन्यू मसाले कन्नौर में, और है ठीक है यार, ज़्यादा भीड़ नहीं है, अंदर की तरफ भीड़ नहीं है, बाहर की तरफ ज़्यादा भीड़ है। चलिए देख रहा है लौंडा पानी पी रहा है, टोपी लगा के पूरा नेता नेता बन रहा पूरा इलेक्शन में तू है, ज़्यादा प्रचार है भाई, पूरे दिन ये लाउड स्पीकर ऑन रखते हैं ना, सिर में दर्द हो रहा बहुत जोर से इनसे, पता नहीं यार कहाँ से परमिशन लेके आते हैं, भगवान जाने। ठीक है पर उस दिन की बात है, फिर उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे सब, क्योंकि इन लाउड स्पीकरों की एक गाड़ी जाती नहीं है कि दूसरी तैयार खड़ी जाती है, सबसे ज़्यादा इनका प्रचार हो रहा इतना कि चलना मुश्किल हो रहा, सिर में पूरा दिन दर्द रहता, गलियों में बाजार में हर जगह इनकी गाड़ियाँ फैल रही हैं, ये लाउड स्पीकर पे इतनी तेज़ आवाज़ कर रखी है उन्होंने कि आप देख भी रहे हो, शूट करना भी मुश्किल हो रहा है इन लाउड स्पीकरों की वजह से। तो भाई यही है कि लाउड स्पीकर कम करवा दो थोड़े, आवाज़ इनकी ज़्यादा है, थोड़ा मीडियम हो जाए तो ठीक रहेगा। ये लिया भाई हमने, तो पेप्सी ले लेते हैं यार, भाई कोल्ड ड्रिंक लेने के आया था पर वो अंडे रखे हुए थे उसने, तो मैंने लिए नहीं, कहीं और से लेते हैं, कहीं और से लेके कुछ खाने चलते हैं, फिर आगे कुछ खा लेते हैं। भाई के पास आता हूँ मैं जब भी आता हूँ ना गन्नौर सोनीपत, तो मैं भाई के पास ही खाने के लिए आता हूँ। भाई हेलो कर लेते हो, हेलो भाई। तो भाई भाई कहाँ खड़े होते हो आप?
पास भाई, मंडी के पास ये मंदिर, ये जैसे कि स्टेशन से बाहर निकलोगे ना तो राइट की तरफ निकलोगे तो मंदिर पड़ता है, मंदिर के साथ वाला जो रोड है उस पर भाई लगाते हैं, ये दो तीन यहाँ इसके बगल में भाई का स्टॉल लगता है, तो भाई एक बार आके जरूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छे बनाते हैं भाई, बना दो। हमारे फ्राई हो रहे हैं तो टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। भाई ने बहुत प्यारे इस तरीके से डेकोरेट करके दिए, तो टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। काफ़ी अच्छे बनाए बिल्कुल। आजा आजा, अरे लो, भाई वाकई में अच्छे बनाए हैं, टेस्टी बनाए हैं भाई ने, मेरे को अच्छा लगा खाने में। आप भी एक बार आके विजिट करें, ट्राई करूँ जरूर करें भाई की। अपना फिनिश हो चुका है, पानी पी लेते हैं। पानी पी रहा, कैसे लगे? मस्त, अच्छे बता रहा डॉन। चलो भाई खाने में, चल ठीक है भाई, आप जब भी आए तो भाई का सेवा को मौका जरूर दे भाई को, ठीक है भाई, मिलते हैं दोस्त, चल चलते फिर मिलेंगे फिर कभी, तो चलते हैं यार इस दुकान पर, सेंटर बुक पता कर लेते हैं क्या रेट में है या नहीं है, चलते हैं अंदर। हमने खा पी लिया, अब हम चलते हैं घर की तरफ, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रूट पिएगा? चल फ्रूट ही लेते हैं भाई। और चलो अब ठीक है, अब शाम हो गई ना तो ये बजाने वाले कम हैं, अब सब के रेडियाँ यहाँ खड़ी हैं बजाने वालों की। भाई कितने बजे तक, कितने बजे तक बजाते हो ये प्रचार का? प्रचार का मैं नहीं बजाता। अच्छा आप नहीं बजाते, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सिर में दर्द होता है इनसे, मैं काम नहीं करता। बिल्कुल सही है भाई, अरे मैं तो गलत बोल गया, पीछे बजा रहा वो अभी भी भाई। पाँच क्या, कितना टाइम हो रहा, पाँच छः के आसपास और होगा, इनके अलाउड वैसे पाँच बजे तक है, फिर भी ये इनका दिन कर ही रहे हैं। चलो यार ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, गन्नौर रेलवे स्टेशन, स्टेशन गन्नौर, क्या कह रहा है? रोल, रोल तूने खाया नहीं अभी, तूने रोल खाया नहीं अभी तक? चल यार तूने पहले बोलता तो खिला ले, तब खिलाओ खिलाऊँ, चल फिर खाएंगे वहाँ खाएंगे घर पे। ये मेरे साथ जा रहा है जहाँ तक है फरीदाबाद, तो ये वहाँ चलेगा ना जब इसको खिलाएंगे, खिलाएंगे हैं टोपीबाज, गंजे टोपीबाज, तो चलते हैं ऊपर। और वो क्या दे रहा है? फ्री जल सेवा कर रहा है, फ्री जन सेवा, चलो फ्री का पानी, सेवा पानी पीते लेते हैं पहले, है भाई पानी इधर उधर, अरे भाई ने उधर ही बुला लिया मेरे को, इधर से कह दिया उधर, ट्रेन आ गई। माल गाड़ी, आप जब भी दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलते हो ना, दिल्ली की तरफ से बाहर निकलते हो तो सोनीपत गन्नौर पानीपत इनकी तरफ जब भी आते हो तो आपको फ्री में है ना ये देखने को मिल जाता है, फ्री जल सेवा, तो भाई बहुत बड़ी बात है, हमारी दिल्ली की तरफ तो है नहीं लेकिन इस तरफ बहुत है भाई, फ्री जल सेवा करते हो? कब से? बहुत दिन से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, आठ साल, कितने साल? सात आठ साल से फ्री जल सेवा दिल्ली की तरफ देखने को नहीं मिलता ये। हाँ मोल का ही, तो ये कैसा पानी होता है, मतलब आरओ का होता है कैसे, क्या सिविल का, मतलब पीने लायक होता है? सिंपल है, तो ठंडा देते हो कैसा? ठंडा मशीन का, मशीन वैसे मशीन में से वो क्या आता है, तो मतलब वैसे प्योर है पीने, मशीन कहाँ इसकी, वो सामने देख रहे हो, सफेद है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वो सामने भाई एक तरीके से आरओ से फिल्टर ही सही हो रहा है, ठंडा मशीन, मशीन से ठंडा होके जब आ रहा, ऊपर मेरे ख्याल से लगे 1000 लीटर की टंकी भी रखी है, उसमें ये स्टोर करते हैं, उसके बाद उस मशीन में ठंडा होता है, फिर पाइप के थ्रू। ये भाई इसमें भरते हैं, देख रहे कितने भाई पानी पी रहे हैं, मुँह मतलब है, भाई ने साफ लिखा हुआ कृपया गिलास को मुंह ना लगाए, तो पीते हैं पहले फिर उसके बाद बताते हैं।
ठीक है, वाकई में पीने लायक है भाई पानी। ये नहीं है कि आप ये सोचते हो कि कुछ भी आपको पिला रहे हैं भाई, मैंने बकायदा दिखाई है, मशीन लगा रखी है भाई ने, और ठंडा है, ऐसा है कि ठंडा है। इतनी गर्मी में भाई जितना ठंडा हो सकता है उतना तो है। ये नहीं है कि आपको पूरा फ्रिज का आपको घर जैसा ही मिलेगा, लेकिन सेवा में इतना बहुत है। जैसा मशीन करेगी नहीं, ये ठंडा अब आ रहा है, अब और ज़्यादा ठंडा है, पहले का भरा हुआ था ना, बीच में मिक्स हो रहा है। एक मिनट इसको भरो मत ज़्यादा, ठंडा ये बड़ा ज़्यादा ठंडा भाई, तो सही है भाई। वे सेवा कर रहे हैं भाई, उनको लिए भाई भगवान उनको खुश रखे, और हम चलते, अरे हम अपना रास्ता भूल गए, हम इस पे से चलना था पुल पे से, हम नीचे नीचे जाने लगे, हमें यहाँ से इस पे से चल के सब जा रहे थे, चलो चलते हैं। तो फ्रूटी पीनी थी ना, हाँ। चल फ्रूटी पिलाते हैं, चल ऐसा करते फिर घर जाके पीएंगे, अब तो पहुँचने वाले हैं, 2 लीटर की फ्रूटी ले लेते हैं ना, चल लेके और फिर चलते हैं। भाई मैं इधर आया हूँ, और भाई ने शॉप तो काफ़ी अच्छी बना रखी है यहाँ पे, पूरा मॉल वाला सिस्टम किया हुआ है, देख रहे हो पीछे मेरे, अच्छी यहाँ पे कैटेगरी है, फ्रूटी फ्रीज वगैरह रख रखे हैं, फ्रूटी है, तो हम तो अपनी फ्रूटी ले लेते हैं। और भी कुछ लेगा तू? फ्रूटी बस, नहीं मिलेगा ध्यान। चलो भाई अच्छी दुकान बन रही है, विजिट करें इधर आके, हमें फ्रूटी लेनी थी, मैंने ले ली, पता 90 रुपये बिल्कुल। भाई मार्केट में 100 रुपये की मिलती है ना, आपने मेरे को 90 रुपये की दी है भाई, 10 रुपये का फ़ायदा, शॉप भी अच्छी है, कुछ और ले लेते 10 का। कम देखने को मिलती है ऐसी अपने भारत में, और मोस्टली हरियाणा में, दिल्ली में तो मिल जाएंगी मेरे वहाँ तो, लेकिन मैं यहाँ आया था तो सोनीपत की तरफ, गन्नौर की तरफ बहुत कम है, इन्होंने काफ़ी अच्छी बना रखी है। भाई क्या लोकेशन पड़ती है आपकी? नहीं गन्नौर में मतलब कौन सा रोड है? ये गांधीनगर में, हाँ। तो ये रोड कौन सा है? पांची रोड, पांची वाले रोड पे गांधीनगर, अपोजिट रेलवे स्टेशन के बाद, हाँ रेलवे स्टेशन के अपोजिट है। तो क्या स्टोर का नाम क्या आपका? सैनिक कैंटीन की शॉप है। तो भाई आपने बता दिया वैसे तो, भाई रेट भी सही है और सामान भी ठीक रहे, विजिट जरूर करें। तो भाई हमने ले लिया दुकान का बैनर, और हमने अपनी रोटी कुरकुरे ले लिए, चलते हैं बैठ कर पार्क चलें या फिर घर ही चलें? घर ही चलें, चल तो भाई घर जाके ही मस्त मौला खाएंगे। चलो चलते हैं भाई घर। चलो भाई वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।